अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नियाज़ी स्टिचिंग एंड पेंटिंग्स। आज हम आप लोगों को साधारण ब्लाउज़ का नाप लेना सिखाएंगे। नाप लेने के लिए हमको कहाँ किस किस जगह का नाप लेना है यह समझना होगा कि हमको किसी भी चीज़ के लिए कि जब हम कटिंग करते हैं उससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हमको कहाँ कहाँ का नाप लेना है। तो साधारण ब्लाउज़ में कहाँ कहाँ का नाप लेना है ये आज हम आपको बताएँगे और कैसे लेना है। सबसे पहले हमको ये चेस्ट या बॉडी की चौड़ाई ये लेना होता है। ये मेरा निकल गया 19 इंच। उसके बाद लंबाई लेना है, यहाँ से लेके ये मेरा 13.5 इंच निकल गया, 13.5 इंच लंबाई आ गया। अब ये हो गया। अब गले की चौड़ाई, गले की में अक्सर ये सबका शिकायत होता है कि गला या शोल्डर हमेशा गिरने लगता है, कि शोल्डर ना गिरे इसके लिए गले की चौड़ाई, अगर मेरा पीछे गले की लंबाई कितनी है ये जानना ज़रूरी है। तो अभी हम जो बनाने वाले हैं उसकी गला डीप है, इसलिए जब गला मेरा डीप होगा तो ये शोल्डर, गले की चौड़ाई और शोल्डर दोनों कम होगा। तो ये इसका नापते हैं, देखिए कितना, ये 4 इंच है और ये शोल्डर यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच है, 8 इंच है, ये हमेशा कम होगा। अगर गले की लंबाई पीछे 1, 2, 3 या 4 तक रहेगा तो गले की चौड़ाई ज़्यादा होगी, या कॉलर वाला जैसे हम बना रहे हैं सूट हो या फिर ब्लाउज़ भी हो तो इसकी चौड़ाई जो 4 आया वो 6 हो जाएगी। तो अभी हमारा डीप है तो इस वजह से यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरे गले की चौड़ाई 4 है, इससे मेरा शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर ये चौड़ाई बढ़ा देंगे तो ये शोल्डर ये इस तरह से ऐसे गिरने लगेगा, दोनों तरफ से गिरेगा। अभी आपको दिखाएंगे, पीछे गला भी इसका डीप है इसलिए इसका शोल्डर। अब यहाँ से ये आर्म होल बनाना है तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इस पर एक लकीर की, इसके सीध में ये जो है यहाँ पे हम लकीर हल्का हल्का खींच देंगे। अब यहाँ से लंबाई नापेंगे, मेरे आर्म होल की लंबाई है 5 इंच, 5 हम सबको नोट करते जाएंगे। गले की लंबाई यहाँ पर गले की सीध में एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद यहाँ से इसको नापेंगे गला से, ये मेरा है 6 इंच, गले की लंबाई 6 इंच निकल गया। अब हम कमर लेंगे, कमर मेरा 17 इंच हो गया। अब हम पीछे गले की लंबाई लेंगे, पीछे गले की लंबाई लेने के लिए हम इस तरह से ऐसे भी हम ये मेरा इसके ऐसे सीध में इसके लाइन भी हम ऐसे खींच सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं कि 9 इंच है। अगर या फिर हमको पता नहीं चल रहा है कि मेरा कितना लंबाई है, कितना ले समझ में नहीं आ रहा है नाप लेने में, तो क्या करेंगे, पूरी लंबाई तो हमको पता ही है कि 13.5 इंच है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको माइनस करके ये लंबाई हम निकाल लेंगे, गले की लंबाई निकाल लेंगे। इस तरह में जब पीछे गले की लंबाई निकल जाएगा, अब बाजू का हम नाप मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ लंबाई है मेरा 5, बाजू की लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई यहाँ से हम ले लेंगे 7.5 इंच। मुहरी है, इसको कहते हैं मुहरी ले लेंगे, मुहरी 6 इंच है, 6 ले लिए। अब इसका मोंढा, अब मोंढा तो हमको पता नहीं चल रहा है हम कैसे काटेंगे, इसका आर्म होल कितना है, इसका आर्म होल में जो लगा हुआ है इसका ये मोंढा कितना काटेंगे तो हमको पता नहीं चल रहा है। इसके लिए इसको कहते हैं गिदरी नाप लेंगे। तो मेरा गिदरी है 2 इंच। तो हम पूरे बाजू की लंबाई में यहाँ से 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो पता चला कि ये चीज़ इसका जो ये है मोंढा वो 3 इंच कटा है। इस तरह से हम 3 इंच मोंढा लिख देंगे तो मेरा हो गया ये बाँह की लंबाई, बाँह का मेज़रमेंट हो गया। अब इसका डॉट्स की लंबाई लेंगे, डॉट्स कितना पड़ेगा तो इसको हम ऊपर से लेंगे, जब भी लेंगे ऊपर से ही नाप लेंगे और ड्राफ्ट भी करेंगे तो ऊपर से ही इसको नाप लेंगे। तो ये यहाँ इस तरह से भी हम ले सकते हैं जहाँ पर मेरा इसका डॉट्स है, हालाँकि ये एली ब्लाउज़ है लेकिन इससे भी हम डॉट्स का नाप ले सकते हैं, हम साधारण ब्लाउज़ की बना सकते हैं इसके नाप से भी। इस तरह से यहाँ से इसको इस तरह से कर लिए, इसको पकड़ के यहाँ से इसका जो डॉट्स था यहाँ से इसको पकड़ के इसको इस तरह से कर लिए और इसको नाप लेंगे। ये मेरा यहाँ से यहाँ मेरा दाग लगा हुआ है, ये दाग लगा हुआ है 10 इंच, ये तो हो गया ऊपर से 10। और ये कितने दूरी पे बना है, ये यहाँ से ये डॉट्स कितनी दूरी पे बना है
इसको हम यहाँ से नाप लेंगे। ये लिया 3 इंच, 3 इंच यानी ऊपर से 10 इंच की दूरी पर, यहाँ से 3 इंच की दूरी पे। और जब ये हो जाएगा इस तरह से, ये दो चीज़ का नाप लेना ज़रूरी है ब्लाउज से। और इसके अलावा 3 डॉट्स और पड़ेगा इसमें, तो वो कैसे पड़ेगा जब हम अभी कपड़ा पे ड्राफ्ट करेंगे तो उसी वक्त अच्छे से समझा देंगे कि कितनी कितनी दूरी पर कैसे पड़ेगा। इस तरह से मेरा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम कपड़े पर इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करके दिखाएंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।